गुड मॉर्निंग एवरीवन। 498A आजकल मुकदमेबाजी का एक बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है। हमारे यहाँ की जो ट्रेडिशनल कल्चर है, बेसिकली हिंदू परंपराओं के अंतर्गत, उसमें परिवार के जुड़ाव की बात कही गई है, न कि उसके डिस्ट्रक्शन की। ऐसी स्थिति में हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुकेश बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के मामले में ऑनरेबल जस्टिस राहुल चतुर्वेदी का एक जोरदार प्रेडिक्शन सामने आया है, जिसमें इस प्रकार की जाने वाली झूठी FIR के बारे में बचाव की बात कही गई है। ऑनरेबल जस्टिस ने अपने जजमेंट में ये कहा है कि जो ही FIR होती है, पुलिस एक्यूज्ड को गिरफ्तार करना चाहती है, पति को या उसके रिश्तेदारों को गिरफ्तार करना चाहती है। ऐसी स्थिति में बाद में जब पति अरेस्ट हो जाता है तो फैमिली के जुड़ने की संभावनाएं धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। तो कोर्ट्स ये कहती है कि वी आर फॉर कंस्ट्रक्शन हियर, नॉट फॉर डिस्ट्रक्शन। तो परिवार का जुड़ाव बना रहे, कई बार पत्नियां पति से बदला लेने के लिए भी ऐसा करती है, ऐसा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा। तो ऐसी स्थिति में बचाव के लिए एक बहुत शानदार रास्ता कोर्ट ने निकाला है, FWC, फैमिली वेलफेयर कमेटी। कोर्ट ने कहा है, सेफगार्ड देते हुए एक्यूज को, कि जो ही FIR होती है, एक्यूज को गिरफ्तार नहीं किया जाए, और इसके लिए 2 मंथ्स का कूलिंग पीरियड निर्धारित किया गया है। उस कूलिंग पीरियड के दौरान उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जो फैमिली वेलफेयर कमेटी है उसको मैटर रेफर किया जाएगा। इस दौरान FWC उसको रिजोल्व करने का प्रयास करेगी, कंस्ट्रक्ट करने का प्रयास करेगी, ताकि मामला बहुत आगे नहीं बढ़े। इसमें यह भी कहा गया है कि जनरली डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत और IPC की धारा 307 के अंतर्गत भी इस प्रकार का मुकदमा दर्ज करवाया जाता है। सामान्यतया ऐसी धाराएं जिसमें 10 वर्ष या उससे कम की सजा का प्रोविजन है, 2 माह तक कूलिंग पीरियड के अंतर्गत उसको अरेस्ट नहीं किया जाए और इस दौरान मैटर को सेटल करने का प्रयास किया जाए। तो एक बहुत बड़ी रिलीफ एक्यूज्ड को दी गई है ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा इस केस में के माध्यम से, कि तुरंत वो उसको अरेस्ट नहीं किया जाए, ताकि इस अधिनियम का दुरुपयोग नहीं हो, इन सेक्शंस का दुरुपयोग नहीं हो और हिंदू पारिवारिक जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके अंतर्गत आने वाले मामलों से एक्यूज्ड को राहत दिलवाई जा सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो, आपको इनबॉक्स में जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में ऐसी बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक आती रहेगी। थैंक यू सो मच।